क्रिकेट के खिलाड़ी अपने चेहरे पर क्या लगाते हैं? ऐसा क्या हुआ कि इस लड़की के चेहरे पे प्लास्टिक जैसी सिलवटें आ गई और बादल हमें सफेद काले क्यों दिखाई देते हैं? फैक्ट नंबर वन, दुनिया भर में मशहूर ताज होटल के मालिक जमशेद जी टाटा एक बार यूरोप गए थे। वे खाना खाने एक होटल में पहुंचे। होटल के बाहर लिखा था, कुत्तों और भारतीयों के लिए कोई जगह नहीं है, और जमशेद जी टाटा को प्रवेश नहीं मिला। उसी वक्त टाटा जी ने ठान लिया था, इतना बड़ा होटल बनाऊंगा जो भारत में नहीं पूरी दुनिया भर में मशहूर हो। और दोस्तों, आज ताज होटल पूरी दुनिया भर में मशहूर है। फैक्ट नंबर टू, बादल सफेद काले क्यों हो जाते हैं? दोस्तों, असल में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तब वो बादलों में फैलती जाती हैं। बादलों में मौजूद छोटी छोटी बूंदें सूर्य के प्रकाश के सभी रंगों को रिफ्लेक्ट करती हैं। सभी रंगों को रिफ्लेक्ट करने के बाद हमें बादल सफेद दिखाई देने लगते हैं। और यही जब बादल कद में बड़े और घने होते हैं तब उसमें से सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बादल हमें काले दिखाई देने लगते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, वेकिन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। इस देश का क्षेत्रफल 0.44 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस देश में लगभग 840 लोग रहते हैं। इस देश की सबसे खास बात यह है, इसके पास अपनी खुद की एक सेना भी है, अपनी खुद की करेंसी भी है, और यह देश अपने नागरिकों को पासवर्ड सुविधा भी प्रोवाइड करा के देती है ताकि वे अन्य देश भी घूम सके। फैक्ट नंबर फोर, 25 वर्षीय ब्रिटिश देश में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सिरिन मुराद है, बुल्गारिया के बीच पर 30 मिनट तक धूप में सोने के बाद सिरिन ने पाया उसके माथे पर प्लास्टिक जैसी सिलवटें आ गईं। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें, उस दिन बुल्गारिया के बीच पर समुद्र तट पर तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। फैक्ट नंबर फाइव, क्रिकेट के खिलाड़ी ज्यादातर अपने चेहरे पे सनस्क्रीन लगाते हैं। खिलाड़ी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे दिन में करीब 8 घंटे धूप में खेलते हैं और यूवी किरणों के संपर्क में आने से इनकी त्वचा खराब हो सकती है। सनस्क्रीन क्रीम उन्हें यूवी किरणों से उनकी त्वचा की रक्षा करने में मदद करती है।